खबर चंपावत से। भाजपा ने झोंकी पूरी ताकत, डोर टू डोर महिलाएं कर रही प्रचार। चंपावत से प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी को भारी बहुमत से जीत दिलाने के लिए भाजपा स्टार प्रचारक और अलग अलग जिले से आए नेताओं द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर गली गली हर मोहल्ले में जाकर दिन रात प्रचार किया जा रहा। इस क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उत्तराखंड सह प्रभारी और सांसद रेखा वर्मा ने भाजपा चुनाव प्रचार अभियान के तहत भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं के साथ चंपावत नगर के तल्ली मल्ली मादली क्षेत्र में जनसंपर्क किया। दिलीप मक्कड़, अध्यक्ष मोदी विकास मिशन, ने बताया, हम चंपावत की जनता से लगातार संपर्क कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि यहां की जनता ने एक तरफा जीत दिलाने का मन बना लिया है। कांग्रेस और अन्य दलों के प्रत्याशियों की इस बार चंपावत विधानसभा उपचुनाव में जमानत जब्त होते दिख रही है। साथ ही उन्होंने कहा, जैसे समीकरण खटीमा में बिगड़े थे, ऐसे चंपावत में नहीं होगा। चंपावत की जनता पुष्कर धामी को बेहद चाहती है। ये कहना चाहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी जी जो है उत्तराखंड के प्रदेश को बहुत तेज़ी से विकसित करेंगे, बहुत अच्छी तरह से डेवलपमेंट यहाँ होगा। और जो हम ये कहना चाहते हैं, पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रयास में है कि उत्तराखंड का तमाम सभी वर्गों का जो है विकास हो, सभी वर्गों का वो विकास चाहते हैं पुष्कर सिंह धामी। और इसी आशा के अनुरूप पे दोबारा उनको फिर जो है मुख्यमंत्री बनाया गया है। अब वो चंपावत विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार चंपावत की जनता का अपार स्नेह है। और मुझे नहीं लगता कि शायद ही कांग्रेस कोई बूथ जीत पाए, नहीं तो कांग्रेस की बहुत बड़ी ये पराजय होगी। और इस बार पुष्कर सिंह धामी जी रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे और हम यहाँ अपार स्नेह है जनता का और बिल्कुल 100% क्या 101% में पुष्कर सिंह धामी जी जीतेंगे, रिकॉर्ड तोड़ जीतेंगे। और इस बार शायद ही कांग्रेस जमानत भी नहीं लग रहा है बचा पाएगी और शायद ही कोई बूथ जीते, ये स्थिति है। और यहाँ पे 100% आराम से चुनाव वो इस बार पुष्कर सिंह धामी जीतेंगे। और मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, पिछली बार समीकरण कुछ ऐसा ही खटीमा विधानसभा का था, हमने भी तमाम लोगों ने, कई बुद्धिजीवियों ने कहा था कि इस बार यहाँ का चुनाव आप पुष्कर सिंह धामी जी से कहा था कि आप ना लड़िए, लेकिन उन्होंने कहा था कि खटीमा की यहाँ की जनता मेरी माँ और बाप के समान है और मैं यहाँ से चुनाव लड़ूँगा। उन्होंने चुनाव लड़ा, भले जो भी परिणाम हुआ, लेकिन पुष्कर सिंह धामी की कोई कमी नहीं है, उन्होंने चुनाव। खबर भारतवर्ष के लिए चंपावत उत्तराखंड से पार्वती देवी की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।